स्वयं भगवान अपने मुख से कहते हैं क्या, नरोदयति माम योगो, मुझे कोई योगी चाहे कि योग से मुझे वश में कर ले, मैं होने वाला नहीं हूं। बोले न सांख्यम, बोले न मैं ज्ञान योग से सांख्य योग से वश में होने वाला हूं। बोले तो धर्म का आचरण करे तो, बोले उससे भी मैं वश में नहीं होऊंगा। बोले स्वाध्याय, बोले नहीं। बोले तप से, बोले नहीं। अरे तपस्वी तो बड़े से बड़े, अब समझ लो परशुराम से बड़ा तपस्वी को, वो भगवान राम सामने खड़े हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहे। तो बोले न स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा, न व्रतों से, न यज्ञों से, न छंदांसी, न वेद पाठ से, बोले मैं इन सब से बस में नहीं होता। तो बोले बाबा होते काय से हो, बोले सत यथा वरुंदे सत्संग, बोले जो सत्संग से मैं खुश होता हूं ऐसा मैं किसी भी और साधन से खुश होता ही नहीं। चाहे थाली लोटा बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे साथी सभी बिछुड़ जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, चाहे नित्य नई आफत आए, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग की महिमा बताई। उसके बाद परीक्षित जी से पूछा, जैसे मैं इस पूरे अपने श्रोताओं से, जो बड़ी दूर दूर तक के श्रोता जो यहां इकट्ठे हैं आज रमा में, महाराज जी नित्यानंद जी के सानिध्य में, शांति बाबा के सानिध्य में, उनके चरणों की रज में जो श्रोता समाज इकट्ठा हुआ है, संत भक्त सभी, सभी से यदि मैं पूछूं कि कथा शुरू हुई थी उससे पहले मन जो था और आज कथा पूरी हो रही है, अब जो मन है उसमें कुछ परिवर्तन है कि वही के वही है? परिवर्तन पाओगे आप। पहले दुनिया में ज्यादा मन लग रहा था, अब तो ये कथा को आयोजन लिमिट के समय के लिए है, नहीं मन ये कह रहा होगा आपका कि ये यूं ही चलता रहे तो जीवन कितना अच्छा है जाए। कथा के प्रति जो रस बढ़ा है, जो प्रेम बढ़ा है, संतों के प्रति, परमात्मा के प्रति जो प्रेम बढ़ा है ना, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। देखो भैया, पैसा से जमीन मिल सकती है, प्लॉट मिल सकता है, फ्लैट मिल सकता है, खेत मिल सकता है, सोना चांदी मिल सकते हैं, और तो और बोट मिल सकता है, हैं? बोट मिल सकता है, और तो और आदमी भी बिक जाता है, आदमी भी खरीद में आ जाता है पैसा से, हैं? लेकिन पूरी धरती पे नहीं, मैं तीनों लोकों की बात कर रहा हूं, यदि पैसे के बल पे कोई परमात्मा का प्रेम प्राप्त करके दिखा दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा। परमात्मा से प्रेम, गुरु से प्रेम, संत से प्रेम, और आपस में भी परिवार में प्रेम, कि कोई दुकान तुम्हें न भिंड में मिलेगी, न इटावा में, न फूप में, न गोहद, न महगांव, ऐसी कोई दुकान जलेबी की मिल जाएगी, मगोरे की मिल जाएगी, सोने चांदी की मिल जाएगी, हैं? लेकिन जहां प्रभु प्रेम मिल जाए, एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, ऐसी तुम्हें दुकान नहीं मिलेगी। बताओ
जो चीज किसी भी कीमत पर न मिलती हो, यदि पैसा से ये मिल जाता ना तो ये बड़े बड़े पैसा वाले अब तक कबू के ब्लैकमेलिंग करने लगते हैं, ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती। लेकिन ये प्रेम की कोई दुकान नहीं है, कोई इसका व्यापारी नहीं है, लेकिन आप यदि भगवान के पांडाल में, कथा पांडाल में बैठ जाओगे तो जो भीतर से अपने आप प्रकट हो जो तुम्हारे भयो है, ये बात का मुझे विश्वास है। कितना बड़ा काम किया है तुम लोगों ने साधनों में, तुम्हें खुद नहीं पता। जिसके लिए बड़े बड़े भरत जी महाराज जैसा महापुरुष, तात भरत तुम सब विद साधु, वह भी क्या क्या त्याग करके कहता है कि धर्मन अर्थन काम रुचि गति न चाहू निर्वाण, मोक्ष में ठोकर मार करके राम का भाई जो मांग रहा है कि जन्म जन्म रति राम पद, भीख मांग रहा है, त्याग मांगू भीख त्याग निज धर्म। बोले मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मेरा धर्म नहीं है, लेकिन मैं ऐसे धर्म को भी ठोकर मार रहा हूं, मुझे यदि मेरी चीज मिल जाए तो मुझे न मोक्ष चाहिए न काम चाहिए न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, बस मुझे प्रभु के चरणों का प्रेम मिल जाए, प्रभु के प्रति प्रेम हो जाए, मेरा हृदय में स्नेह उपज आवे, जो भरत मांग रहा है। और वो तुम्हें बिना मांगे केवल पांडाल में बैठते हंसते खेलते कूदते नाचते और तुम्हें प्राप्त हो जाए, जाते फायदा को सौदा तुम्हें को मिल जाए तो बताना, जाते ज्यादा बढ़िया फायदा को सौदा यहां से लेकर के अमेरिका तक, यहां से लेकर के स्वर्ग तक, यहां से लेकर के रसातल, कोई जाते फायदा को सौदा। ये अमूल्य चीज है प्रभु प्रेम, जैसे ऋषि मांगते हैं, मुनि मांगते हैं, संत मांगते हैं, यति मांगते हैं, हैं कौन नहीं मांगता। और वो हमें शांति बाबा की कृपा से नित्यानंद जी की शरण में और संतों के माहौल में कछु करना ना पड़े, केवल हंसे हैं नाचे हैं गाए हैं, हैं तुम्हारे जो अभी आंसू निकले थे ना वो संसार के लिए नहीं थे, संसार के लिए रोने के लिए ये आंसू नहीं निकलते जो कथा में निकलते हैं। ये पहचान है कि कहीं ना कहीं हमारी डोर संसार से कटी है, प्रभु से जुड़ी है। और भगवान ने यही कहा है सबरी से भी और अपने भक्तों से भी कि सबसो ममता ताग बटोरी और मम पद मन बांध पर डोरी।